तो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि WWE मनी इन द बैंक को भूल चुकी है, रुको जरा, सबर करो। तो WWE भूली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन WWE को बिल्कुल याद है कि उनका मनी इन द बैंक भी है और उसको कैश इन भी कराना है, और जो कि हमारे चैंपियन है, विनर है ओटिस, वो भी हमें पता है अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में आने वाले हैं। तो गाइज, इसको लेके मतलब कह सकते हैं इस बार के मनी इन द बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं कह सकते हैं उलझी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि मतलब किसी ने पहले सोचा नहीं था कि इस बार का जो मनी इन द बैंक ऐसा हमें देखने मिलेगा। पहली बार तो इस बार का जो मनी इन द बैंक पूरा जो कॉन्सेप्ट रखा था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, और उसका विनर तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग था। पहले रूमर्स आ रहे थे कि एलिस्टर ब्लैक जीतेंगे इस बार का मनी इन द बैंक या फिर एज स्टाइल जीतेंगे, लेकिन WWE को शायद कबाड़ा करना था तो उन्होंने कर दिया और यहाँ पर उन्होंने विनर बना दिया ओटिस को। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब देखो, ओटिस का मनी इन द बैंक को जीतना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन मतलब क्या WWE उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि WWE ओटिस को मतलब ओटिस जैसे सुपरस्टार को जिनको अभी तक उन्होंने मेन रोस्टर में लाए हुए अभी तक स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल नहीं जीता है, क्या उनको डायरेक्ट यूनिवर्सल चैंपियन बना देगी ब्रॉन स्ट्रोमन पे कैसन करा के या फिर फिंड ब्रे वाइट पे कैसन करा के? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, और मुझे लगता है कि WWE ने अगर इसको सक्सेस करा दिया कैसन तो भी कवाड़ा होना है, और फेल करा दिया तो कवाड़ा है ये, मतलब दोनों तरफ से कुछ अच्छा होने नहीं वाला। क्योंकि यार अगर आप ओटिस को देखो, क्या मतलब लगता है कि WWE उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी? मतलब वर्ल्ड चैंपियन कोई ऐसा होता है कि लगे भाई कि ये स्मैकडाउन का मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, क्वालिटी चैंपियन है, जिससे रेटिंग्स भी आगे बढ़ गया है, तो क्या वो काम ओटिस कर पाएंगे? ओटिस भाई भले ही मतलब फैंस के बीच पॉपुलर हैं, वो जितनी भी मस्ती वगैरह करते हैं, जो भी हमें उनका एंगल देखने मिलता है मैंडी रोज के साथ, वो वहीं तक सीमित है, लेकिन ये मतलब सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन बनने के मुझे लगता नहीं कि अभी लायक है कि ओटिस मतलब इतना कुछ उन्होंने कर दिया है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया जाए डायरेक्टली स्मैकडाउन में। काफ़ी सारे और मतलब ऐसे डिजर्विंग सुपरस्टार हैं जिनको मतलब WWE वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है, जैसे कि फिंड ब्रे वाइट हैं, एज स्टाइल हैं, जेफ हार्डी हैं, और रोमन रिंग्स तो हमारे हैं ही हैं। तो मुझे लगता नहीं था कि WWE ने ओटिस को मतलब इस बार मनी इन द बैंक का विनर बनाया तो उनके साथ सच में कुछ अच्छा होने वाला है। और वैसे भी ओटिस की हम देखें तो ओटिस को मुझे खुद नहीं लगता कि उनको मनी इन द बैंक की ज़रूरत है, उन्हें मैंडी रोज मिल गई, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको मैंडी रोज मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उनको और भी कुछ चाहिए। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि WWE जो मेन स्टोरी लाइन दिखा रही है ओटिस की, वो मैंडी रोज के साथ ही दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि WWE का ध्यान ही नहीं है कि ओटिस मनी इन द बैंक विनर हैं, उनके पास ब्रीफ केस है, उनको कैश इन भी करना है, उसका कुछ सीन दिखाई नहीं रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में ओटिस और मैंडी रोज आने वाले हैं, तो WWE ने क्या एडवर्टाइज कराएं कि इनकी जो लव स्टोरी है वो कंटिन्यू होने वाली है? अभी तक मनी इन द बैंक का कोई मतलब कैश इन करने का कोई सीन नहीं है। तो एक सीन यहाँ पर मुझे एक वजह से भी नहीं लगता है कि WWE शायद अभी इस चीज़ को और नहीं दिखा रही है, मतलब क्यों नहीं दिखा रही है अभी कैश इन करने का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE शायद वेट कर रही है कि हमारी क्राउड वापस आ जाए। क्योंकि मनी इन द बैंक का हम देखते हैं वो क्राउड के सामने कैश इन होता है तो वो एक अलग ही मूवमेंट निकल के आता है, मतलब ऑडियंस मतलब जो एक्साइटमेंट रहती है ऑडियंस के अंदर कि कैसे भी हुआ तो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। तो शायद WWE उस चीज़ के लिए वेट कर रही है कि उनकी क्राउड आ जाए, फिर क्राउड के बीच में ये वाला मूवमेंट लेके आएंगे, फिर वाले ही वहाँ पर वो फेल कराएं या सक्सेस कराएं, वो तो फिर बात की बात है। लेकिन देखना होगा कि ओटिस का मनी इन द बैंक कैसे हमें कब देखने मिलता है। अब WWE अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में उनको लेके आ रही है मैंडी रोज के साथ, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन देखने मिलता है, वहाँ पर इनकी लव स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन देखना होगा कैसे इनका भी कुछ सीन हमें देखने मिलता है या फिर नहीं, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि WWE इसको शायद क्राउड के लिए बचा के रखना चाह रही है, और भले ही बचा अगले मुझे लगता नहीं कि इस बार का मनी इन द बैंक सक्सेसफुल कैसे होने वाला है। इस बार का बात करें या फिर हम पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही देख रहे हैं कि फेल ही हो रहा है कैसे। हमने देखा था बैरन कॉर्विन का फेल हुआ था, उसके बाद ब्रॉन स्टोमन का भी कुछ अच्छा हुआ नहीं था, बस ब्रॉक लेसनर का सक्सेसफुल हुआ था, वो तो उनका हो नहीं था, उनका तो फेल हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इस बार का भी मनी इन द बैंक का कबाड़ा ही होने वाला है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ओटिस का मनी इन द बैंक सक्सेसफुल कैसे होगा, और क्या आप ओटिस को देखना चाहेंगे कि वो यूनिवर्सल चैंपियन बने, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस, इस वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।